नमस्कार दोस्तों, मैं उषा और आज रंगीन फूड चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा आलू की टिक्की, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होती है। ये टिक्की बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए 3 बड़े साइज का आलू लिया है उबालकर, ये चावल का आटा 4 बड़े चम्मच, ये चने की दाल है रात भर भिगोई हुई ब्लेंडर में पिसा हुआ बारीक स्मूथ पेस्ट, ये अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, ये सफ़ेद नमक है, ये मूंगफली दाना है 2 चम्मच, ये हरा मिर्च है 2 बारीक कटा हुआ, ये 1 चम्मच है गरम मसाला, ये 1 चम्मच है जीरा और ये 1/2 चम्मच है हींग। आलू टिक्की बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आलू हमने छील कर तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं आलू टिक्की बनाने के लिए। आलू टिक्की बनाने के लिए ये कढ़ाई में हमने तेल रखा है, उसका स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम इसमें तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू टिक्की का स्टफिंग, अब तैयार हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक अदनुसार, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 पिंच हींग, 1/2 इंच अच्छे से चलाते हुए इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। अब इसकी बनके स्टफिंग तैयार है आलू टिक्की की। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली दाना, इसे थोड़ा रोस्ट करेंगे आलू टिक्की में डालने के लिए। ये मूंगफली दाना भूज के अब तैयार हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने यह 3 बड़े साइज के आलू है उसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, ताकि हमारी टिक्की बहुत कुरकुरी बने। ये सॉफ्ट डो बनके अब तैयार हो गया है आलू का। अब हम चलते हैं टिक्की बनाने। टिक्की बनाने के लिए हम एक नींबू के आकार का बॉल निकालेंगे, उसमें उसे थोड़ा हाथों में तेल लगा के ऐसे प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारा स्टफिंग तैयार है, हम इस स्टफिंग को इसके अंदर भरेंगे, थोड़ा इसमें मूंगफली दाना भी ऐड करेंगे, फिर इसे हम इस तरह करके बंद करेंगे। स्टफिंग इसके अंदर, अब इसे हम रोटी के आकार का गोला बनाएंगे। ये इसी तरह बन के तैयार होंगे हमारे आलू की टिक्की। अब इसे हम चलते हैं फ्राई करने। ये तेल हमारा गर्म हो गया है मीडियम लो आंच पर, अब इसमें हम आलू की टिक्की डालते हैं। अब ये हमारे ऐसे फ्राई होंगे और इन्हें मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है, ताकि हमारी टिक्की कुरकुरी और खस्ती बने। अभी कुछ के बाद हम इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं,
ताकि हमारी टिक्की थोड़े अच्छे से पक जाए। ये आलू टिक्की हमारे दोनों साइड से ऐसे क्रिस्पी सिकने चाहिए ताकि खाने में हमें टिक्की का स्वाद एकदम क्रिस्पी पन आए। ऐसे लो मीडियम आंच पे हमें इन्हें फ्राई करना है ताकि हमारी टिक्की बनकर खूब क्रिस्पी और खाने में लाजवाब हो। हमारी टिक्की दोनों साइड से पककर एकदम क्रिस्पी तैयार हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसे हम सर्व करेंगे और हरा धनिया के चटनी के साथ इसे खाएंगे। बारिश के मौसम में ये बहुत लाजवाब होती है। इसी तरह हम सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। ये टिक्की जो बन के तैयार हुए हैं दोस्तों, इसे बारिश के मौसम में हम खाएंगे तो हमें बहुत ही टेस्ट लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। हरा धनिया के चटनी के साथ हम खाएं, आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं इसे। और ये टिक्की कैसे बन के तैयार हुई है दोस्तों, हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ये टिक्की देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये टिक्की हमारी कितनी टेस्टी और लाजवाब बनी है दोस्तों।